कर्नाटक में गौकशी कानून मंजूर होने के बाद न सिर्फ कसाई और गोश्त का इस्तेमाल करने वाले मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बल्कि जानवरों की खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद, बैल व गाय की हड्डियों, चमड़े के कारोबार से जुड़े हुए सनतकार भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक में प्रिवेंशन ऑफ स्लैटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट 2020 को जारी करने के बाद बूढ़े और नाकारा जानवरों को लेकर किसान सख्त परेशान हैं। गौ रक्षक के नाम पर जो कानून बनाया गया है, इससे किसानों को इन जानवरों का बोझ उठाना पड़ रहा है। माजी में उम्र दराज या नाकारा जानवरों को कसाईयों के हवाले कर दिया जाता था, इससे न सिर्फ गजाई सहूलत दस्तियाब थी बल्कि मुख्तलिफ सनतों को भी बढ़ावा मिल रहा था। जानवरों के चमड़ा निकालने से इससे मुख्तलिफ अशिया बनाने के कारोबार से ज्यादातर दलित तबका इस्तफादा कर रहा था, मगर अब दलितों के पेट पर भी लात मारी जा रही है। कर्नाटक के रईत संघा का कहना है कि रियासत भर में 2000 मेलों में जानवरों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। जो जानवर कारामद नहीं होते थे उन्हें फरोख्त कर दिया जाता था, लेकिन हालात अब इस कदर बदतर हो गए हैं कि किसान इन जानवरों के खर्च उठाने से खासिर हैं। इस वक्त जानवरों के खरीदने वाले भी पीछे हट रहे हैं और अगर कोई खरीदता है तो इसे निहायत कम दामों में खरीद रहे हैं। रियासत में इस वक्त गौशाला की भी कमी है। हर जिले में गौशाला का आगाज करते हुए जानवरों के बोझ को कम करने की बात हुकूमत ने की थी, लेकिन साल 2020 के सितंबर में RTI के जरिए से पूछी गई मालूमात में इंकशाफ किया गया है कि रियासत में एक भी गौशाला सरकारी सतह पर कायम नहीं की गई है, और है भी तो उसमें जानवरों को माकूल तादाद में नहीं रखा जा सकता। अगर गौकशी के कानून के मुताबिक जानवरों को तहफ्फुज फराहम करना है तो हर तालुका में कम अज कम एक गौशाला की जरूरत होगी। इस वक्त 188 गौशाला मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए से निजी तौर पर चलाए जा रहे हैं। एक जानवर को पालने के लिए हुकूमत को कम अज कम 70 रुपये दरकार हैं, मगर इस वक्त हुकूमत सिर्फ 17 रुपये ही मंजूर कर रही है, जबकि किसानों के यहाँ इन जानवरों की देखभाली के लिए रोजाना 200 रुपये का खर्च आ रहा है। कानून के मंजूर होने के बाद आश्रमों में मौजूद जानवरों की तादाद ज्यादा होती जा रही है, मगर इन जानवरों की देखभाली के लिए हुकूमत की तरफ से किसी भी तरह का माली तआवुन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गौकशी का कानून किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।